शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं मिशन प्रेरणा के संदर्भ में। साथियों, आप अवगत हैं कि समय समय पर बेसिक शिक्षा परिषद के तहत तरह तरह के प्रयोग किए जाते रहे हैं। उन्हीं प्रयोगों के तहत बच्चों की लर्निंग आउटकम को लेकर के शासन ने एक नई योजना लॉन्च की है, जिसको हम मिशन प्रेरणा के नाम से जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत कई चरणों में काम किया जाना है और तत्पश्चात मिशन प्रेरणा के तहत प्रेरक विद्यालय, प्रेरक न्याय पंचायत, प्रेरक ब्लॉक, प्रेरक जनपद जो है विकसित किया जाना है। इसके तहत सबसे पहले हम शिक्षकों को प्रेरणा लक्ष्य के संदर्भ में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम प्रेरक विद्यालय, प्रेरक ब्लॉक को विकसित करने में जो है सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे कि आपसे तरह तरह के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं गूगल फॉर्म्स की मदद से, जो कि संबंधित है प्रेरणा लक्ष्य से। तो आइए इस प्रेरणा लक्ष्य को इस वीडियो में हम अच्छे से समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस चार्ट में, सबसे नीचे ये ब्लू रंग की जो लाइन है, इसमें लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालयों के सभी छात्र छात्राओं 2022 तक प्रेरणा लक्ष्य हासिल करें। ये जो है टारगेट रखा गया है कि 2022 तक सभी बच्चों को जो है प्रेरणा लक्ष्य हमें हासिल कराना है। और आपको बता दें कि ये जो है प्राथमिक विद्यालयों के लिए पूरी की पूरी योजना है। प्राथमिक विद्यालय का मतलब कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों के लिए है। और ये जो प्रेरणा मिशन का जो कार्यक्रम है, ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। आइए प्रेरणा लक्ष्य के तहत हमें क्या लक्ष्य दिया गया है इसके संदर्भ में जानते हैं। ये सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये भी जानना आवश्यक है कि किन विषयों पर इस मिशन प्रेरणा के तहत काम किया जाना है। तो वो दो विषय हैं। पहला विषय है भाषा और दूसरा विषय है गणित। इन भाषा और गणित के लिए क्या क्या जो है प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इसको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम भाषा के संदर्भ में जानेंगे। कक्षा 1 के लिए जो भाषा के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो ये हैं कि निर्धारित सूची, कोई सूची होगी, उस सूची में से 5 शब्द बच्चा सही से जो है पहचान लेता है, तो ये कक्षा 1 का लक्ष्य है। इसी तरह से भाषा के अंतर्गत कक्षा 2 के बच्चों का जो लक्ष्य है वो है अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेता है। यानी पढ़ तो लेता है लेकिन निर्धारित समय में उसको पढ़ना है, कम से कम जो है 20 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से उसको पढ़ना चाहिए। इसी तरह से कक्षा 3 के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से जो है अगर पढ़ लेता है तो बच्चा जो है भाषा के लक्ष्य को हासिल कर लेता है। अगर हम कक्षा 4 की बात करते हैं तो छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यानी छोटे छोटे अनुच्छेद को बच्चे पढ़ लें और पढ़ने के बाद 75% प्रश्न जो उसके ऊपर आधारित है उसको अगर वो सॉल्व कर लेता है तो कक्षा 4 का बच्चा अपना भाषा का लक्ष्य जो है पूरा कर लेगा। और कक्षा 5 का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है मिशन प्रेरणा के तहत वो ये है कि बड़े अनुच्छेद को पढ़ करके, बड़ा जो है अनुच्छेद पढ़े और पढ़ने के बाद उस पर आधारित 75% जो सवाल हैं, जो प्रश्न हैं, अगर उनको हल कर लेता है तो वो अपने भाषा के लक्ष्य को पूरा कर लेता है। इसी प्रकार गणित विषय के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले हम कक्षा 1 की बात करते हैं तो कक्षा 1 का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसके अंतर्गत निर्धारित सूची में 5 संख्याएं सही से पहचान लेता है। उसको कुछ संख्याएं दी जाएंगी और उसके तहत अगर वो 5 पहचान लेता है तो अपने लक्ष्य को हासिल कर ले रहा है। इसी तरह से कक्षा 2 के लिए जोड़ एवं घटाना एक अंकीय के 75% प्रश्नों को अगर वो सही कर लेता है तो वो गणित का अपना लक्ष्य हासिल कर लेता है। इसी प्रकार ये जो कक्षा 3 के लिए लक्ष्य निर्धारित है, देख रहे होंगे
जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ 75% सही हल कर अगर पाता है तो वो अपने गणित के गोल को, गणित के लक्ष्य को हासिल कर लेता है। इसी प्रकार कक्षा 4 गुणा के 75% प्रश्नों को अगर हल कर पाता है तो वो 4 के गणित के लक्ष्य को हासिल कर पाता है। इसी तरह से कक्षा 5 में अगर देखा जाए तो भाग के 75% प्रश्न को वो हल कर पाता है। दोस्तों आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जो है आपके यहाँ ग्रेडेड लर्निंग ट्रेनिंग कराई गई थी और उसके तहत इसी तरह से लक्ष्य निर्धारित करके आपको काम दिया गया था और उस काम के तहत आपने जो है काम किया और बच्चों की जो है प्रगति की। सेम टू सेम यहाँ पर भी जो है, चूँकि वो एनजीओ का कार्यक्रम था, ये अपना बेसिक शिक्षा विभाग का अपना कार्यक्रम है, तो हमें इसको सफल करना है और सफल करने के लिए हमें इन लक्ष्यों को अपने दिमाग में रखना है कि कैसे इसको हम प्राप्त करेंगे। आपको बता दें कि इस लक्ष्य को, जो निर्धारित लक्ष्य है, इसको प्राप्त करने के लिए आपको मदद के लिए, आपकी मदद के लिए कई तरह की हस्त पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं, उसके संबंध में जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। तो आप भली भांति इन प्रेरणा लक्ष्य को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जैसे ही सत्र शुरू होता है तो आपको इसके ऊपर काम करना है। और ये जो शासन का जो लक्ष्य है कि हमें 2022 तक पूरे प्रदेश के सारे जनपदों को मिशन प्रेरणा के तहत सभी जनपदों को प्रेरक जनपद घोषित करना है, तो उसके लिए आपको लग करके काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जा करके ये सारे लक्ष्य हासिल होंगे। दिखने में तो बिल्कुल आसान है लक्ष्य, लेकिन इसको प्राप्त करने में बहुत सारी कठिनाइयां आने वाली हैं, तो उन कठिनाइयों को फेस करने के लिए आप अपनी कमर कस लीजिए और इसको पहली बात ही अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये फर्स्ट स्टेप है। जब हमें लक्ष्य की जानकारी हो जाती है तो हम उसको पाने के लिए यत्न प्रयत्न करते हैं। तो हमें लक्ष्य की सभी अध्यापकों को, सभी शिक्षा मित्रों को, सभी अनुदेशकों को, सबको जो है बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए शिक्षण कार्य करने वाले समस्त लोगों को, चाहे वो प्रधानाध्यापक हों, सहायक अध्यापक हों, प्रभारी प्रधानाध्यापक हों, सबको मिशन प्रेरणा लक्ष्य के संदर्भ में अच्छी प्रकार से जानकारी होनी चाहिए कि किस कक्षा के लिए भाषा या गणित में कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस तरह के फ़ोन कॉल्स भी आपको आ सकती हैं, उसमें पूछा जा सकता है आपसे। तो अगर हम भली भांति इसको दिमाग में रखते हैं तो हम उनका जवाब दे सकते हैं। अधिकारीगण, कर्मचारीगण जो भी आपके निरीक्षण कार्य करने आते हैं वो भी आपसे ये जान सकते हैं। आपको पता है कि आपको सपोर्टिव सुपरविजन के लिए ARPs लगाए गए हैं, SRG लगाए गए हैं, वो लोग अगर विद्यालय पे पहुँचे तो वो भी आपसे इसके संदर्भ में जान सकते हैं। तो अगर आप इसको अपने दिमाग में रखते हैं तो उनके प्रश्नों का आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ हम जो विदा लेते हैं, अगली वीडियो में मिशन प्रेरणा से संबंधित अन्य जानकारियों को लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।